तो हे फेलस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम आ गए आर्क सर्वाइवल इवॉल्व के एक और नए एपिसोड में। मैं पहले तुम लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले हम चलेंगे ऊपर मेरे घर की तरफ और मैं तुम्हें कोई बढ़िया चीज़ दिखाऊंगा। चलो, और ये देखो मेरा घर रेनोवेशन के बाद कैसा हो गया है। पिछले एपिसोड में तुमने ये सब पूरा वुड का देखा होगा, बहुत ही अजीब सा लग रहा था। और अब देखो ज़रा, इतनी बढ़िया चीज़ देखी है कभी ज़िंदगी में आपने? देखी कभी इतनी बढ़िया चीज़? इधर का मैंने खुला हुआ छोड़ दिया क्योंकि मुझे नीचे कूदना होता है ना, इसलिए। और अब हम चलते हैं ज़रा घर के अंदर। उस समय छत भी बाकी थी, हमने छत भी बना ली, काफ़ी औसम हो गया। और अब हम ज़रा, ये इतना लैग क्यों कर रहा है आज? सॉरी यार, लैग दिख रहा होगा तुम लोगों को, चलो माफ़ कर देना। ये वीडियो बस देख लो एक बार तुम लोग। और ये देखो ज़रा, मैंने ये भी बना लिया। भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही गंदा लैग है। ओ माय गॉड, ऐसा लैग मैंने भी आज तक नहीं देखा भाई साहब, ऐसा लैग। ओ नो 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 नो। ओ हाँ, तो हमने पिछले एपिसोड में कारनो को टेम किया था, ये हमारा कारनो, और हमें इसे नाम देना था। तो हमें काफ़ी सारे नाम मिले और एक भाई ने हमें नाम दिया था एक्सेल। तो यार नाम बहुत बढ़िया था, लेकिन वो नाम मैं अपने कारनों का नहीं रखूँगा, वो नाम रखूँगा मैं इसका, नया दोस्त। ये देखो डोएडिक्यूरस लेवल 23 का। तुम लोग सोच रहे होगे मेरा वो घर पूरा कैसे हुआ, तो उसका सारा क्रेडिट इसे ही जाता है। ये नहीं होता ना तो मेरा घर अभी भी वैसे ही पड़ा होता, गंदा था। ऐसा जानवर ना, मतलब ये होना ज़रूरी है सबके पास। मैं दिखाता हूँ ये करता क्या है। जिन लोगों को नहीं, जिनको पता होगा वो तो इसको यूज़ करते होंगे, और जिन्हें नहीं पता है मैं उन्हें दिखाता हूँ। ये देखो ज़रा भाई, रुक जा, मेरी वीडियो ख़राब हो जाएगी यार ऐसे लैग से। तो हाँ, तो ये देखो, एक शॉट में पत्थर तोड़ देता है ये। ऐसे ही मैंने आराम आराम से पत्थर तोड़े वो, और 88 स्टोन। भाई साहब ये देखो ज़रा, तो ये इतना बढ़िया जानवर है, इसलिए इसका नाम भी मुझे इसी एपिसोड में रखना था। तो मुझे एक्सेल नाम पसंद आया इसके लिए, तो हम जल्दी से इसका नाम पहले रख देते हैं। कहाँ नाम कहाँ से रखते थे? हाँ ये रहा ना, मैंने इसे इतने ज़्यादा लेवल का नहीं पकड़ा था, ये हो गया इतने का, तो इसका नाम हमें एक्सेल रखना है। ठीक है, AXEL। हाँ ये देखो, इसका नाम हो गया आज से एक्सेल। ठीक है भाई, और कार्नो का भी नाम हमें रखना ही था। यार मैं इस गेम को रिस्टार्ट करूँगा अभी, तो क्लिप चेंज में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं दिखेगी। ये कार्नो का नाम हमें दिया है फॉलोअर वाला भाई ने, तो यार बहुत बढ़िया नाम था, पसंद आया। इसका नाम हम कॉडी रख देते हैं। एक सेकेंड, फॉलोअर वाला भाई ने हमें नाम दिया था कॉडी और ये हमने रख दिया। अच्छा मैंने बताया ना तुम लोगों को कि वो हमें एक्सेल नाम किसने दिया था, मैं तो खुद ही भूल गया। तो यार अगर मैंने नहीं बताया तो मिस्टर वाइल्ड ने हमें वो नाम दिया था, और मिस्टर वाइल्ड थैंक यू, काफ़ी अच्छा नाम था, मज़ा आ गया। और हमारे दोनों जानवरों को हमने नाम दे दिया। तो आज हम कुछ अलग करने वाले हैं, हम कुछ बहुत बड़ा पकड़ेंगे। आज हम जा रहे हैं रेक्स टेम करने। वहाँ एक रेक्स दिखा था, मैंने पूरी तैयारी कर ली है रेक्स टेम करने की, तो मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, दिखा देता हूँ तुम लोगों को। ये मैंने डायनासोर गेट भी बना लिए, 4 डायनासोर दरवाजे भी बना लिए। अब बस ना जाके हम इनसे ट्रैप बना लेंगे। उसके लिए खाना वाना है ही मेरे पास अब? अरे यार खाना नहीं है मेरे पास, मतलब खाना है लेकिन मुझे पकाना पड़ेगा, तो वो मैं अभी पका लूँगा। और ट्रैंक एरोज़ बनाते हैं जल्दी से, उम्मीद है मैं बना सकता हूँ ट्रैंक एरोज़ अभी। बना सकता हूँ ना? हाँ बना सकते हैं हम, जल्दी से हम ट्रैंक एरोज़ बना लेते हैं। बन गई, हमने ट्रैंक एरोज़ बना ली। कम पड़ेंगे तो हम और बना लेंगे, सामान मैं रास्ते से ही ले लूँगा। मेरा रैप्टर कहाँ गया? हाँ ये रहा ना मेरा रैप्टर। तो अब हम चलते हैं, रैप्टर पे हम बैठ गए। और इतना भारी है ये यार, चलो मैं सामान हल्का करता हूँ और उस रैक्स के पास पहुँचता हूँ। वैसे भी खाना पकाना है मुझे, तुम लोग डायरेक्ट देखो मज़ा आ जाएगा। A few moments later, रेक्स फाइनली
और पता है मैंने इसे ये कर दिया, ये देखो ज़रा नॉक कर दिया मैंने इसे। लेवल 16 का है और इसे 8 लेवल्स का बफ मिलेगा। यार इससे बढ़िया चीज़ तो हो ही नहीं सकती सही में। मैं जब इसे अनकॉन्शियस कर रहा था तो वो भी मैं वीडियो पे लेने वाला था, पर वो हो नहीं पाया क्योंकि मैं जब इस तरफ आया तो ये पिछली बार की तरफ फिर से एक रैक्स मेरे पीछे से आ गया, और फिर मैं वीडियो ऑन करता या खुद को बचाता, तो मैंने खुद को बचाया। बचाने बचाने में ना मैं इसे मारने लगा था ट्रैंक एरोज, तो बस मेरी ट्रैंक एरोज भी कम हो गई और ये वहीं पे गिर गया। फिर मैंने अपने सारे जानवरों को बुला लिया, ये मेरा एक सार को, मेरा दूसरा सार को और मेरा रैप्टर भी, हम सब यहीं पे हैं, इसकी रक्षा कर रहे हैं। और अभी मैंने इसमें फूड नहीं डाला है क्योंकि मैं इसे भूखा करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही धीरे बढ़ेगा वरना ये बहुत दिक्कत होगी। तो मैं तुम्हें एक और चीज़ दिखाता हूँ। नहीं यहाँ नहीं, मेरी इन्वेंट्री में नहीं है वो, मेरे सार्को की इन्वेंट्री में। हाँ ये देखो ज़रा, इतना सारा प्राइम मीट। तो ये मुझे कैसे मिला वो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। यहीं पे पास में वो घूम रहा था, पैरासिथीरियम या ऐसा ही कुछ नाम है उसका, अजीब सा जानवर है, बड़ा सा भैंसे जैसा। तो उसे हमने मार दिया क्योंकि हम पे मक्खियों ने अटैक कर दिया था। मेरा सार्को उसको मारने लगा, पैरासिथीरियम को लग गई गलती से, उसने इसको मारा, फिर इसने और थेरी ने मिलकर उसे मार दिया और फिर हमें ये मिल गया। काफ़ी अच्छी चीज़ हुई है। और अब ना बस मैं नारकोटिक नहीं लाया, मुझे वही ख़राब लग रहा है। एक बार हम देख लेते हैं इसका फूड कम हुआ या नहीं। ये तो मेरा फूड दिख रहा है, इसका फूड, एक सेकेंड यहाँ से देखते हैं। हाँ इसका फूड ज़्यादा कम नहीं हुआ है, 3900 था, 3500 हो गया, ठीक है ज़्यादा कम नहीं है, पर कोई बात नहीं, हम इसे थोड़ी देर और भूखा रखते हैं। मैं इसे 3-4 ये खिला देता हूँ, अब ठीक है। अब तुम लोगों को तब दिखाऊंगा जब इसका 200-300 कम हो जाएगा। 2 hours later कुछ इसकी भूख हो गई है इस वक्त, एक सेकेंड, 3200 के आसपास थी जब मैंने आखिरी बार देखा था, वो देखा था मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही, और उसके बाद बस मैं पानी पीने चला गया था क्योंकि मुझे भूख लग गई थी। हाँ तो ये देखो इसकी हेल्थ का हेल्थ कह रहा हूँ, फूड काफ़ी कम हो चुका है। और जो मेरा सारा वो प्राइम मीट था यार, उसके साथ भी सीन हो गया। मैं यहाँ पे सो गया था और वो सारा पता नहीं कहाँ चला गया, पॉइल हो गया शायद, वो मेरे सार्को के अंदर अभी भी है, मतलब नहीं है। तो अब हम इसे नॉर्मल वाला मीट ही खिलाएंगे और इसे टेम करने की कोशिश करते हैं, जल्दी से हो जाए बस ये। हमने इसमें ये मीट डाल दिया, 4 8, ठीक है यार ज़्यादा बुरी स्पीड नहीं है। और बाकी और मीट भी है मेरे पास में सार्को वगैरह के अंदर, तो मैं वो भी निकाल ली। हाँ ये देखो 8 स्पॉइल्ड मीट जो है ना, ये वही है प्राइम मीट, वो होता तो यार ये अब तक हो भी चुका होता क्या पता। पोट फूड, ओ भाई कितना खाएगा, 6 डाला था ना अभी मैंने। हाँ तो हो जाएगा अपना काम, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। रैप्टर में भी देखती हूँ कुछ खाना है क्या, ना रैप्टर में ना है मेरे। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, 50 हो गया, 53 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बच ही जाएगा काफ़ी सारा हमें। और एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो ये फीमेल है, मतलब हमें अंडे भी मिलते ही रहेंगे। +5 यार ये गलत है, उस समय +8 लेवल लिखा था, वो शायद प्राइम मीट के लिए लिखा था यार, कोई बात नहीं हम इसका बढ़ा लेंगे यार। लेकिन 3 लेवल फिर भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ये हमें मिल, चलो यार ठीक है, काम तो चले जाएगा। 21 लेवल का भी रेक्स है, और फिर मैं इसे इस कलर का तो रखूँगा नहीं, इसका कलर जब बदलूँगा तो हो ही जाएगा। और ये क्या, ये इतने में फिर अब धीरे धीरे क्यों हो रहा है भाई, भूख भर गई इसकी। ओ इसका फूड पूरा हो गया, अरे यार मेरे पे नारकोटिक नहीं है, शिट मैन मेरे पास बिल्कुल भी नारकोटिक नहीं है। मेरा ना वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, अरे यार बायोटॉक्सिन, हाँ वो मैंने सारा यूज़ कर दिया, अब क्या करूँ मैं, वापस घर ही चलना पड़ेगा, जल्दी से भाग के चलते हैं हम घर। 1 eternity later थोड़ा सा बचा है, 98.4% हो गया। यार कितनी देर तक मैंने वेट किया, मैं क्या बताऊँ, वेट कर करके थक गया। बीच में तो मुझे लगा कि नारकोटिक की ज़रूरत पड़ जाएगी, उस चक्कर में मैं अपने रैप्टर पे बैठ के भाग के गया घर तक, फिर घर से यहाँ तक भाग के आया इतना दूर, और फिर भी वो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मुश्किल से 1-2 खिलाया होगा बस मैंने, मेरा वो तो ख़त्म ही हो गया था बायोटॉक्सिन। और तुम्हें एक और चीज़ दिखाऊँ, यहाँ देखो ये घूम रहा है, एक अल्फ़ा ट्राइक, लेकिन इस पर लिख कर नहीं आ रहा है अल्फ़ा,
जबकि अल्फा रैप्टर पे तो अल्फा रैप्टर लिखा होता है, लेकिन ट्राइक में से ये धुआं तो निकल रहा है लेकिन अल्फा नहीं लिखा, तो ये क्या है? तुम लोग मुझे यार कमेंट्स में बता देना, मतलब है क्या ये चीज़ आखिर, पता तो चले कम से कम क्या चीज़ है, क्यों है ये, देखें उसके बाद हम। तो सबसे पहले तो अपना ये टेम हो जाए, फिर आगे करते हैं। होने ही वाला होगा, तो हो ही गया, हो गया बस 98%, और बस ये होने वाली है अपना लेवल 16 का रेक्स, जिसमें वो 5 लेवल का बफ मिलेगा, और इतनी औसम चीज़ हमें मिलने वाली है ना, सही में मज़ा आ जाएगा। ऐसी चीज़ ये बस एक बार हमें मिल गया तब तो भाई किसी का डर नहीं रहेगा। वो बस हो गया, बस हो गया, जल्दी देखो, ओ ये खड़ा हुआ अपना रेक्स, यस हमारा रेक्स। और मेरे सारे जानवर यार आज तक ना, तुम जिन्होंने भी मेरी सारी टेमिंग की वीडियोस देखी हैं वो लोग ये नोटिस करना, मैं जितने भी जानवर टेम करता हूँ ना, वो हमेशा ऐसे ही टाइम पे होते हैं जब रात होने वाली होती है। अब मुझे इन्हें घर लेके जाना पड़ेगा। हेल्थ कितनी हो गई इसकी? हेल्थ में कोई बफ मिला इसको? हाँ 200 का कुछ वो हुआ है क्या? 20 लेवल यार, प्लस 5 लिखा था, और जहाँ तक मेरी मैथ्स के हिसाब से 16 + 5 = 21 होता है, एक लेवल कम मिला इसे। चलो कोई बात नहीं, घर जाके इसे टेलीपोर्ट कर लेंगे हम, बस अपना मीट ले लूँ मैं। हाँ चलो, मुझे भी भूख लगी रही है, मैं मीट खा लेता हूँ, फिर हम घर चलते हैं, और हर वीडियो की तरह दिन में चल के फिर इसे देखते हैं। आ चुके हैं और दिन भी हो गया, अब हम अपने रेक्स को देखते हैं। मैंने सबको टेलीपोर्ट कर दिया, सबको उनकी जगह पर पार्क कर दिया। वो देखो ज़रा, मेरे चारों जानवर हाइट वाइज खड़े हैं, जो मेन जानवर जिन्हें मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, और पैरासोर तो उस जगह से पता नहीं कितने ज़मानों से नहीं हिला। ये कार्नो हमारा प्यारा सा, और अब बारी है रेक्स की, जो लेवल 21 का हो रहा है। हम इसे जल्दी से लेवल अप करते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, वो पहले मैं क्लिक कर रहा था तो हो नहीं रहा था यार, कोई बात नहीं। डैमेज कम है इसका, ओ इससे ज़्यादा डैमेज तो मेरे रैप्टर का है शायद। एक सेकेंड, अब हम इसको लेके ना थोड़ा आगे चलते हैं, ट्राई भी तो करें अपने रेक्स को। फॉलो वन, आओ पीछे चलें, मज़ा आएगा। यस, लेकिन पीछे कोई जानवर ही नहीं है। अच्छा हम पीछे करेंगे क्या? ओ यार इसका सैडल एक बार मिल जाए ना, मज़ा आ जाएगा। मैं इसे लेके पहले जा रहा हूँ, एक दो जानवरों को मारूँगा बस, कम से कम इसकी ताकत का अंदाज़ा तो लग जाए कैसा है अपना रेक्स, एक बार पता तो चले। ये देखो ये आ गया भाई साहब, जब ये आता है ना तो भी जो फीलिंग आती है, आ हा हा हा, हमारे पीछे रेक्स चल रहा है। और इसको एक बार ऐसे कर देते हैं हम, अब हम हट जाएंगे। एक सेकंड, मेरा रेक्स कहाँ है? ओह वो रोर कर रहा था अभी, मैंने देखा नहीं, अगले एपिसोड में देख लूँगा मैं, मतलब जब मैं ऑफलाइन खेलूँगा देख तो तब भी लूँगा। ये रोर भी करता है ना, ओ भाई साहब ये देखो ज़रा रेक्स कैसा लड़ता है। हाँ तो इसका कलर मुझे पसंद नहीं है, मैं इसको ना या तो पूरा रेड कलर का करूँगा या पूरा ब्लैक कलर का करूँगा, तो वो मैं देख लूँगा अभी ऑफलाइन, सोचूँगा कैसे करना है। तुम लोगों को इसका नया लुक देखेगा अगले एपिसोड में। ये सर तो लड़ रहे हैं और जीत ही गया बस अब तो ये। और ये देखो इसके साथ कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ा, मुश्किल से 60 का डैमेज कर पाया, ये खा भी गया उसे, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। अब हमने इतनी बड़ी बढ़िया चीज़ टेम कर ली, तो तुम लोगों को मज़ा आया होगा। हाँ हो सकता है थोड़ा सा लैग देखने को मिला हो तुम लोगों को गेम में, क्योंकि यार हो ही रहा था, मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें इतना बड़ा जानवर टेम करना था, वो भी अपने घर से उतना दूर, तो वहाँ का एनवायरनमेंट लोड करने में भी टाइम लगा था। तो जो भी हुआ काम तो हो गया ना अपना, इतनी बड़ी चीज़ तो हमें मिल गई ना। तो यार बस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।